तो मेरे पास यहाँ पे जो एक घंटे पहले की रिपोर्ट यहाँ पे निकल कर आ चुकी है गाइस। फाइनली यहाँ पे जो है डंकी ने सलार को हरा दिया है, लिटरली एक घंटे पहले की रिपोर्ट है। शाम को रिपोर्ट चेंज भी हो सकती है, कल भी चेंज हो सकती है, या फिर दो घंटे बाद भी चेंज हो सकती है। तो मैं आप लोगों को हर एक घंटे यहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ, तो प्लीज मेक श्योर पहले तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोग हर एक अपडेट को यहाँ पे जो है मिस ना कर सको। ठीक है, चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। फाइनली अभी तक तो यहाँ पे जो है डंकी आगे चल रहा है। ठीक है, डंकी के मैं आप लोगों को यहाँ पे जो पहले तो रिपोर्ट दिखाता हूँ। डंकी ने अभी तक यहाँ पे जो है एक घंटे पहले तक यहाँ पे जो है 2.5 करोड़ रुपीज की इनकम जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी कर ली है। ठीक है, इनका अगर हम बात करें कि यार कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी इनकम यहाँ पे किए, कितने कितने शोज उनको यहाँ पे मिल रहे हैं, तो वो तो आप मेरी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे जो है अभी भी देख ही पा रहे होंगे कि यार आंध्र प्रदेश में 17.99 आप लोगों को यहाँ पे जो है लाख लाख रुपीज़ की इनकम ऑलरेडी यहाँ पे हो चुकी है। असम के ऊपर यहाँ पे जो है 3.24 लाख, बिहार के अंदर यहाँ पे जो है 2.34 लाख, छत्तीसगढ़ में यहाँ पे जो है 5 लाख, गोवा में यहाँ पे 66,000, गुजरात में 19 लाख, हरियाणा में यहाँ पे 3 लाख, हिमाचल प्रदेश में 46,000 एंड झारखंड में 1.5। ऐसे करते करते का टोटल आप लोग मेरी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे चेक कर लो। कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर में आप लोगों के सामने यहाँ पे जो है कितनी कितनी रुपीज की इनकम कर रखी है। गाइस जो आप राइट में देख रहे हो वो सारे के सारे यहाँ पे जो है शोज है कि कितने शोज जो होते हैं वो अभी तक यहाँ पे जो है डंकी को मिले हैं। ठीक है, उसी के बाद अगर हम बात करें कि यार किस तरीके से यहाँ पे जो है इसने सलार को हराया, तो सलार की भी मेरे पास यहाँ पे एक घंटे पहले की रिपोर्ट आ चुकी है। ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे जो है शो कर लेता हूँ ताकि आप लोग यहाँ पे देख सको कि यार किस तरीके से यहाँ पे जो है सलार को डंकी ने यहाँ पे जो है हरा दिया। ठीक है, तो सलार की रिपोर्ट को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। गाइस यहाँ पर आप लोग खुद देखो, सलार ने अभी तक यहाँ पे जो है टोटल 2.21 करोड़ रुपए की यहाँ पे इनकम की है एंड यहाँ पे जो है डंकी ने 2.5 करोड़ की इनकम की। ठीक है, तो अगर हम बात करें सलार के बारे में तो गाइस तेलुगु में यहाँ पे जो है उन्होंने 13,69,000, मलयालम में यहाँ पे जो है 42 लाख, तमिल में यहाँ पे जो है 2,83,000 एंड उसके बाद यहाँ पे जो है कन्नड़ा में यहाँ पे 3,30,000, हिंदी में यहाँ पे जो है 35 लाख रुपए की इनकम यहाँ पे की। टोटल मिला के यहाँ पे जो है 2,21,00,000 आ रहा है। आप लोग यहाँ पे जो है टिकट भी चेक कर लीजिएगा कितनी टिकट यहाँ पे सोल्ड हुई है एंड कितने शोज भी उसको यहाँ पे जो है मिले हुए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो है अभी डंकी यहाँ पे जो है आगे चल रही है। भाई पता नहीं कैसे यार अचानक से वो यहाँ पे आगे हो गई। पहले सलार यहाँ पे जो आगे था बिकॉज मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर यहाँ पे रिलीज हो रहा था, लेकिन अब डंकी यहाँ पे जो आगे हो गई जबकि वो सिर्फ यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे रिलीज की जा रही है। ठीक है, आई डोंट नो गाइस आगे यहाँ पे क्या होता है, हर एक चीज का अपडेट देता रहूंगा। प्लीज मेक श्योर फटाफट जाओ, फटाफट जाके लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो।